अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये आज बाजरे की फसल लगा रहा हूँ, ये आप लोगों के साथ उसकी डिटेल शेयर कर रहा हूँ कि कौन सा बीज है और किस तरह का बीज है और किस कंपनी का है। ये शहनशाह कंपनी जो एग्री सीड है, हाइब्रिड जो बाजरा, मैं वो डाल रहा हूँ। और ये एक एकड़ में एक पैकेट डलेगा, ये तो मेरा डेढ़ एकड़ है तो इसमें मैं डेढ़ जो डालूँगा। ये हाइब्रिड बीज है और कोशिश करें जो भी आप लें वो लेटेस्ट हो, मतलब ज़्यादा ओल्ड बाजरा ना हो। ये देखें, ये उन्होंने पैकिंग की है, इसमें प्रॉपर जो मेडिसिन के साथ की हुई है। ये बीज अच्छा हेल्दी फील हो रहा है। दवाई दे बाजरा, ये देखें, ये जो मेरी ज़मीन है इसमें पहले मैंने भी गंदम काटी है, उसके बाद इसमें दो दफ़ा हल लगवाएं और फिर पानी से इसको भराया, इसकी रोनी की है। गंदम काटने के बाद वैसे भी मैं रोनी करता तो चल जाता था, लेकिन जो ज़मीन को आप हल लगा के कुछ दो चार दिन छोड़ते हैं और उसके बाद उसमें फिर कोई फसल लगाते हैं रोनी, क्योंकि उसके अंदर ताकत कुछ और होती है। और ये देखें, ये भी जो रोनी की है, सुहागा लगवाया है। तो सुहागा लगवाने का पर्पज़ ये है कि ये देखें, ये डेली आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, सुहागा आ रहा होता है। सबसे पहले ये जो अभी वत्तर भी है तो उसकी वजह से जो ढेले बने हुए हैं ये सारे बारीक हो जाते हैं। अगर मैं वैसे इसमें जो बगैर हल लगवाता तो शायद थोड़े ढेले वगैरह बच जाने थे, बट सुहागे के नीचे आप देखेंगे, अभी ये ट्रैक्टर आ रहा है तो आप दोबारा देखेंगे कि सुहागे की वजह से सारे ढेले ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद मैं इसमें दो सी, तीन सी या एक सी जो है, मतलब हल इसमें लगाऊंगा। अगर आपका अपना घर का ट्रैक्टर है तो आप दो से तीन लगाएं, जितनी ज़्यादा ज़मीन अच्छी तैयार होगी फसल उतनी ज़्यादा अच्छी यील्ड निकालती है। ये देखें, सुहागे की वजह से सारे डेले ख़त्म हो गए, अब सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसके अंदर जो मैं हल लगवाऊँगा तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखें, ये हल कम्प्लीट इसमें जो सुहागा लग गया है, और अब इसके अंदर मैं सी लगाऊंगा, इसको दो दफ़ा इसका सी लगाऊंगा, उसके बाद जो छट्टा मारूंगा। पहले से इसमें सुहागा लगवा लिया, दो दफ़ा सी लगाएंगे। जैसे चरी होती है, मकई होती है, गंदम है और जवी है, उसमें क्या होता है कि उसमें हम पहले बीज फेंकते हैं, छट्टा मारते हैं, उसके बाद फिर दो सी, एक सी, दो सी, तीन सी लगवाते हैं और उसके बाद सुहागा मार देते हैं। लेकिन बाजरा हो गया, तिल हो गया, मूँग हो गए, इस तरह की जो फसल हैं उसमें क्या करते हैं कि उसमें हम पहले सी लगवाएंगे, उसके बाद जो है हम बीज का छट्टा मारेंगे और सुहागा का सिर्फ हल्का हल्के साथ लगा के सुहागा के साथ कर देंगे। ये देखें, ये वत्तर काफ़ी अच्छा है, मतलब तेज़ वत्तर है, नमी भी है इसमें। मैं अगर इसको रिबिंग करूँ तो मतलब ढेले नहीं बन रहे, गीली मिट्टी में वो गाचा बनता है, थोड़ी सी रिबिंग करने। वत्तर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तेज़ वत्तर है, इसे थोड़ा कम भी हो तो चल जाएगा। मैं चाहता हूँ आज लगवा रहा हूँ क्योंकि मुझे सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, उसके बाद आना मेरे लिए मुश्किल थोड़ा सा होता है। तो ये देखें, तेज़ वत्तर निकल रहा है और शाम के टाइम मैं बोई करवा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी थोड़ी गर्मी और जो तपिश थोड़ी कम हो चुकी है, मगर सुबह के टाइम करवाता या दोपहर में करवाता तो गर्मी की वजह से ये वत्तर जो है ना उखड़ने का डर होता है और फिर बीज जो है इतना ज़्यादा वो ग्रोएबल नहीं होता। और इस वजह से मैं ये टाइम चूज़ कर रहा हूँ, पाँच साढ़े पाँच के टाइम पर, तो उस टाइम मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका था, गर्मी भी कम हो चुकी होती है। इसमें बाजरा, इसके बाद दो सी लगवा के बाजरे का छट्टा मारूंगा, फिर ऊपर से सुहागा लगवा दूंगा।